जय श्री राम। सभी साधकों को मेरा नमन। आज शुक्रवार है, माता रानी का दिन है, और इसीलिए आज की वीडियो जो है वो माया और योग माया क्या है उसका अंतर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि माया और योग माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि पानी है, उदाहरण के तौर पे मान लो पानी है वो डुबो देती है, या आग है वो जला देती है, तो आप जलाने को आग से अलग नहीं कर सकते, आप डुबोने को पानी से अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से माया और योग माया ये दोनों भगवान की शक्ति है, आप इसको भगवान से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अब माया के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो काफ़ी पहले बना दी थी, माया का विस्तार रूप से उसमें वर्णन है कि माया क्या है, वो किस तरीके से संसार में काम करती है, आप और हम जैसे पे वो किस तरीके से हावी रहती है, क्योंकि हम सब तो माया के अधीन है ना, तो आप पे कैसे, हम सब पे वो कैसे हावी रहती है, वो सब मैंने आपको पहले वीडियो में समझा दिया है, माया का रूप क्या है, स्वरूप क्या है। तो फिर भी एक छोटा सा मैं आज आपको माया के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं योग माया के बारे में बताऊं कि योग माया शक्ति क्या है। ये भगवान की अंतरंग शक्ति है, यानी कि अंदर की शक्ति है। ज़्यादा स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि ये भगवान की अपनी शक्ति। जितने भी भगवान के कार्य होते हैं वो योग माया से होते हैं, जितने भी प्रभु की जो लीलाएं होती हैं वो योग माया के द्वारा होती हैं, जो भी प्रभु सोचते हैं वो योग माया के द्वारा तुरंत हो जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था तो द्वारपाल अपने आप सो गए थे, जेल के द्वार अपने आप खुल गए थे, यमुना जी ने अपने आप मार्ग दे दिया था, तो ये सब योग माया से हुआ था। जब भी भगवान जी की कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य जो असंभव होता है लेकिन उन प्रभु के द्वारा वो संभव हो जाए, तो समझ लेना कि आप के वो योग माया से हुआ है। जब आप पुराण पढ़ोगे, जब आप वेदों का पाठ करोगे, तो जितनी भी उसमें लीलाएं प्रभु की दी गई हैं वो सब योग माया के द्वारा हैं, आप अपने आप स्वतः ही पहचान जाओगे। और वेदों में कहा भी है कि भगवान स्वतंत्र हैं, वे किसी के अधीन नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब भी भगवान कोई रूप लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो उसमें इतना डूब जाते हैं कि पूरी दुनिया को ऐसा ही दिखता है कि वो अभिनय नहीं है। जैसे कि जब श्री लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, श्री राम जी फूट फूट के रोए थे, जबकि उन्हें पता है कि वो भगवान है और ये सब लीला है, ये सब योग माया के द्वारा चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एक बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया, उन्होंने एक भाई होने का पूरा फर्ज निभाया, एक पति का उन्होंने पूरा फर्ज निभाया। श्री कृष्ण जब मैया यशोदा उनको डांटती थी तो वो फूट फूट के रोते थे, मैया यशोदा ने उनको रस्सी से पेड़ पे बांध दिया था और वो रोते हुए मैया से मुक्ति की कामना कर रहे थे, तो ये सब अभिनय नहीं था, वो जानते थे योग माया, लेकिन फिर भी उन्होंने उस किरदार को निभाया, ठीक है। लेकिन ये जो भी कुछ होता है, जो भी प्रभु की मर्जी होती है, ये सब योग माया के कारण होता है। तो भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो योग माया से होती हैं, या ऐसा कह दो कि भगवान जो भी कुछ करते हैं वो योग माया के द्वारा करते हैं, है ना। अब केवल भगवान नहीं, जितने भी संत महात्मा हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, जिस संत महात्माओं के मार्ग पे, ठीक है, जो सिद्ध हो चुके हैं, जैसे कि मैं 2-3 नाम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। देवराहा बाबा हैं, नीब करोरी बाबा हैं, और परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज हैं, ये ऐसे संत महात्मा जिनके 12-14 सूर्य जागृत हो चुके थे और सिद्ध हो चुके थे, इन पे अब माया असर नहीं करती, ये फिर ये भी योग माया से चलते हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहूँ, ऐसे सिद्ध महापुरुष जो भगवत प्राप्ति हो गई है, जिन्हें भगवत की प्राप्ति हो गई है, ठीक है, तो वे भी योग माया से चलते हैं। तो सिर्फ भगवान नहीं, सिद्ध महात्मा, संत महात्मा भी योग माया से चलते हैं। तो योग माया की शक्ति कुछ ऐसी है कि कार्य माया के करते हैं लेकिन
उनको माया नहीं लगती, जैसे क्रोध करना, ये माया का विकार है, उसका दोष है, ठीक है। लेकिन महापुरुष और भगवान जब भी क्रोध करते हैं, वे माया का क्रोध नहीं लगता, वो फिर योग माया का क्रोध होता है। अब देखने में तो लगता है कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, भगवान ने तीसरा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था, गणेश जी का सर काट दिया था, है ना, श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा पे क्रोध किया था, तो वो देखने में तो ऐसा लगता है कि भगवान क्रोध कर रहे हैं, लेकिन वो असल में योग माया का क्रोध हो जाता है, फिर वो माया का क्रोध नहीं होता, है विकार माया का, लेकिन प्रभु कर रहे हैं तो वो योग माया का है, ठीक है। अब ऐसे ही संत महात्मा है, जब संत महात्मा क्रोध करते हैं तो लगता है कि अरे ये देखो संत महात्मा ये क्रोध कर रहे हैं, नहीं, वो योग माया कर रही है, वो संत नहीं कर रहे, वो अंदर से क्रोधित नहीं है, उनके चेहरे पर क्रोध है लेकिन अंदर से क्रोध नहीं होता उनके, तो ये माया का विलक्षण है, ठीक है। अब योग माया का स्वरूप क्या है, देखिए ये बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि इनकी छवि कैसी है, इनकी छवि बहुत आसान है पहचानना, श्री दुर्गा हैं, श्री सीता मैया हैं, श्री काली हैं, श्री राधे हैं, लक्ष्मी माँ हैं, मंगला जी हैं, श्री पार्वती मैया हैं, ये सब मूर्त रूप हैं योग माया के, और इसी योग माया से राधा कृष्ण जी का शरीर है, श्री राम जानकी जी का शरीर है, इसीलिए राधे श्याम है और सीता राम है, ये शरीर जो इन्होंने लिया ये भी योग माया के द्वारा ही लिया, जब अवतार लेते हैं ये कोई भी भगवान तो योग माया के द्वारा ही लेते हैं, अपनी उस शक्ति के द्वारा ही लेते हैं, ठीक है। तो ये योग माया के ही अभिनय स्वरूप जो है प्रकट रूप में आते हैं, और ये मत समझना कि योग माया नारी के रूप में ही रहती है, नहीं, तो ये किसी का भी रूप ले लेती हैं, चाहे स्त्री हैं पुरुष हैं, ये स्वेच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकती हैं, तो योग माया को कभी भी स्त्री मत समझिएगा, योग माया भगवान की शक्ति है, ये कोई भी स्वरूप में रह सकती है, योग माया बिना स्वरूप के भी रह सकती है, जैसे कि नारद जी, जैसे कि तुलसीदास, इनके पास कोई योग माया नाम की स्त्री नहीं थी, लेकिन इनके साथ योग माया बिना स्वरूप के चलती थी, अब भी चलती है, ठीक है। अब बात करता हूं छोटे से कम शब्दों में माया के बारे में, वैसे मैंने माया के बारे में पहले आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि माया जो है भगवान की बाहर की शक्ति है, जैसे योग माया अंदर की शक्ति थी, ये बाहर की शक्ति है, माया भी भगवान की ही एक शक्ति है, लेकिन ये जो माया है ये भगवान से विमुख एक जीव है, जो भगवान को अपना नहीं मानते, या जो भगवान को अपना सब कुछ नहीं मानते, जिसको या फिर भगवत प्राप्ति नहीं है, जैसे कि आप और हम लोग, माया उस पर हावी रहती है, कम शब्दों में अगर बताऊं तो, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली, भगवान उसको फिर माया से हटा देते हैं, फिर योग माया काम करती है उनके लिए, जैसे कि मैंने अभी साधु संतों के बारे में बताया, ठीक है, वो माया से परे हैं, लेकिन हम जैसे लोग, हम माया के अधीन हैं। तो आज मैंने आपको माया और योग माया के बारे में बताया है कि माया क्या है, योग माया शक्ति कैसे काम करती है, क्या उसका स्वरूप है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से आऊँगा अगली वीडियो में और एक नए ज्ञान के साथ, नई बात के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।